भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे थे और भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु गिरा जिससे बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। अब अंधकासुर को देखकर माता पार्वती जी ने कहा, इतना सुंदर बालक, आपका प्रतिबिंब लगता है, आपके जैसा लगता है, इतना सुंदर। अब निवेदन किया कि ये बालक को तुम्हें गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है। इसको मैं गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, इसको मैं रखना चाहती हूं मेरे साथ में। भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती मत चक्कर में पड़, दो तरह की जलेबी होती है, एक जलेबी बाजार में रखी होती है, इतना बड़ा थाल, उसमें जलेबी गरम गरम निकाल के धरी और पीछे से एक बस निकल के गई, ने सारी धूल जलेबी पे धर गई। और एक जलेबी वो होती है जो थाल में तो रखी है पर कपड़ा से जमके बोलो ढकी है। कौन सी जलेबी अच्छी होगी शरीर के लिए, जम के बोलो, जो कपड़ा से ढकी है, जिस पे धूल जम गई वो जलेबी आपके लिए अच्छी रहेगी। पर संसार के लोग तो चमक की ओर जाते हैं ना, संसार के लोग तो चमक दमक देखे, क्या जोरदार जलेबी दिख रही है, इसके मालूम ही नहीं कि पीछे से बस निकल गई, सारी धूल ऊपर धर गई, उसको तो लग रही कि जलेबी अच्छी गरम गरम निकल रही है, और जलेबी रखी है कितनी जोरदार दिख रही है, पूरी थाली पे रखी है, पर इसको क्या मालूम कि इससे पहले जो बस निकल कर गई थी, इससे पहले जो गाड़ी निकल कर गई थी, उसने जो धूल उड़ाई थी वो सब जलेबी पर जम गई है, इसको नहीं मालूम। पर दुनिया के लोग चमक को देखते हैं, दुनिया के लोग उस चमक को निहारने का प्रयास करते हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उस पे धूल कितनी जमी हुई है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इस मोह में पड़ना जलेबी पर पड़ी हुई धूल के समान है, इन आसक्तियों में पड़ना जलेबी पर पड़ी धूल के समान है। क्यों पड़ रही हो इन आसक्ति में, क्यों पड़ रही हो इन लोभ में, क्यों पड़ रही हो इस मोह में, क्यों पड़ रही? पर आसक्ति छूटे कहां महाराज, संगी छूटे, साथी छूटे, छूटे यज्ञ सारा रे, एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा रे, छूटे कहां, कहां छूटे। महाराज भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती इस जलेबी को मत देख, इस पे धूल जमी हुई है, जो मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है ये साधारण सा बालक नहीं है, असुर है, राक्षस है। सीधी सीधी बात है, कुर्सी पर जब तक बैठे हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, कुर्सी से उतरने के बाद एक शब्द लिखा जाता है, भूत पूर्व, मतलब भूत, समझ में आ गया, पूर्व लिखाया कि नहीं लिखाया, अरे बोलो तो, समझ आया ना, तो मतलब भगवान भी कह रहे हैं कि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो ये देवता नहीं है, असुर है, राक्षस है, इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, अगर नेत्र खोलकर प्रकट होता तो बात दूसरी है। घंटों तक बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, बहुत घंटों तक बैठे, भगवान 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 भगवान, समझने वाली बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा,
तो मंदिर में गए, किसी बहुत बहुत पुराने मंदिर, बहुत चर्चित मंदिर में इतनी भीड़, द्वारकाधीश के सामने जाओ इतनी भीड़, तिरुपति में जाओ इतनी भीड़, नाथद्वारा में जाओ इतनी भीड़। आप उस मंदिर में पहुंचे, सांवड़िया जी का मंदिर में पहुंचे भीड़, आप मंदिर में पहुंचे, सोमनाथ का मंदिर में पहुंचे, विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही मंदिर के सामने गए और तुमने मंदिर के सामने भगवान सामने बैठा था और तुमने आंख हाथ जोड़ ली और आंख बंद कर ली, और आंख जैसे ही बंद करी और बंद करी ने इधर से किसी ने धक्का दिया ने सीधी बाहर, और बाहर जाके फिर लोगों ने पूछा तुमने दर्शन करा अंदर कितना जोरदार भगवान मुकुट पहने थे, तो क्या मैंने तो देखा ही नहीं। भगवान के सामने पहुंची और आंख बंद कर ली। भगवान कहते हैं संसार सागर में आकर इतनी जल्दी आंख बंद नहीं करने दूंगा, तुम्हारी चिंता मत करना, इस संसार सागर में आकर सब कुछ दिखाऊंगा, पर एक बात याद रखना, इस संसार सागर से जब बाहर निकलोगे, आंख जब तुम्हारी बंद होगी, उससे पहले तुम मेरा एक बार खुली आंख से दर्शन कर लेना, मैं मिल जाऊंगा, बस खुली आंख से मेरा एक बार दर्शन कर मैं मिलूंगा। मेरा दीदार एक बार कर बहुत है। इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को शिव को देव तो तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया जय हो ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे,
में तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ दमदारी से बोलो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर ओघड़दानी
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कह रही है कि भगवत स्मरण में चित्त को, वृत्ति को, मन को, भक्ति में जब रमाओगे, भक्ति में जब स्मरण में लगोगे, तब जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और जीवन के सुख को पाने भगवान की अविरल भक्ति में, भगवान के स्मरण में जब इस मन को, चित्त को, वृत्ति को लगाओगे, तब स्मरण चित्त स्वतः रम जाएगा। क्यों ना लगेगा? खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। कि मैं तो भोले की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरा। चित्त वृत्ति में भगवान समाहित हो जाए। इस अंधकासुर को उठाओ और फेंक दो समुद्र के अंदर, उठाओ पार्वती जी और फेंक दो समुद्र के अंदर। पार्वती मैया बोली, ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है, आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। मना कर दिया माता पार्वती ने। बार बार शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी मान जाओ, पार्वती जी मान जाओ, बार बार निवेदन कर रहे हैं, पर सुनने को ही तैयार। पार्वती जी कहे, नहीं 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 नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसको कैसे छोड़ दूं मैं, इसको मैं अपना पुत्र है ये मेरा, मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ये नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंको इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी को बारंबार समझाया, तब जाकर माता पार्वती जी ने उस पुत्र को ले जाकर समुद्र में डाला। हिण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया, हिण्याक्ष के प्राण छूटे। तब ये अंधकासुर का जब राज्य स्थापित हो गया, इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, ब्रह्मदेव से वर। ब्रह्मा जी आप हमें वर दीजिए। क्या वर दीजिए? कि हमारे प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता कि नहीं छूटे। बादाम खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा, रोटी खाओगा तो भी मरोगा, नहीं खाओगा तो भी मरोगा। कई कई लोग कहते हैं, अरे भैया हम तो नहीं गए बद्रीनाथ, हम तो केदारनाथ जी नहीं गए, हम तो अमरनाथ जी नहीं गए। क्यों? इतनी बर्फ पड़े और मालूम पड़े मां तो ऑक्सीजन नहीं मिले, फिर इसलिए हम तो नहीं गए। भगवान ने कल ले पूरे पृथ्वी पर ही ऐसा कर दिया, अब यहां ऑक्सीजन मिले? पूरे लॉकडाउन में ढूंढता फिरे ऑक्सीजन के, पूरा लॉकडाउन। भगवान के मेरे पास आने में घबराती थी, और नीचे अच्छा एक बात तो है, पूरी प्रकृति इस कोरोना महामारी में नदी, तालाब, सरोवर, वनचर, जलचर, थलचर, जितने भी पूरी सृष्टि में जितनी वनस्पति आदि कादि है ना, एक डेढ़ साल जब कोई गया नहीं, आया नहीं, प्रदूषण नहीं, कुछ काम नहीं, बड़ी शांति से पर्यावरण रहा, बड़ी शांति। सबसे ज्यादा सुखी रहे होंगे तो भगवान रहे होंगे, बद्री नारायण, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, रामेश्वरम, जगदीश, सब अपने अपने मंदिर में जोरदार। जैसे आपके घर में आप बना बना के
सबके खिला रही थी, पोया बना लो जाओ, आज भजिया बना लो जाओ। पत्नी उन सोचे, अच्छा कोरोना आया दादा, हम तो सोचे थे आराम मिलेगा, बना बना की मरीज जा रहे। जितना कभी नहीं खाया उतना कोरोना में खाया। हर तीन दिन में बाजार से पोया लाया, फिर बनाओ खाए ही खाए। जैसे तुम बना कर खा रहे थे ऐसे भगवान ने कह दिया द्वारकाधीश ने। रुक्मणी जी बोली, बोलो प्रभु। रुक्मणी जी, आपका मंदिर दूर है, हमारा मंदिर दूर है, श्राप लगा था आपको इसलिए आप दूर हो द्वारकापुरी में। एक काम करो, कोई नहीं आ रहा, शांति से आओ, भजिया माजिया बनाओ, हमें भी खवाओ, तुम भी बांध के टिफिन ले जाओ। बनाओ। जगन्नाथ जी ने सुभद्रा जी से कह दिया, सुभद्रे हाँ भैया कुछ बना ले। कोई नहीं आ रहा, ताला बंद, कहीं का नहीं आए, तू तो बनाओ ने खाओ, जा तू तो बना। लक्ष्मी जी से बद्रीनारायण जी ने कहा, लक्ष्मी हाँ प्रभु, हमेशा बाहर बैठती थी, तेरी दिल की तमन्ना थी मंदिर के अंदर बैठने की, अब की साल कोई नहीं आएगा, तू अंदर बैठ जा, आ तू तो बना, भोजन खाए अपन दोनों। पार्वती से शिव, कौन है? स्मरण करना है बस भगवान का। किसी के बिच्छू काट जाए, तड़पे हाथ, कितना दर्द हो, कितना कष्ट हो, बिच्छू काट गया फिर किसके पास जाओ? बिच्छू उतारने वाले। और बिच्छू उतारने वाले के पास में गए, उसने जो मंत्र फूका, देखो दर्द कम हुआ, नहीं सामनी हुआ, अभी तो बहुत दर्द कर रिया, पूरा हाथ कांप रिया। फिर उसने कानों में मंत्र दिया, थोड़ा कम हुआ, हां साहब इनंग तक तो कम हो गया। अच्छा, तीसरी बार फिर उसने मंत्र फूका कान के अंदर, अब सब दर्द थोड़ा सा बिल्कुल कम हो गया, अब तुम्हारी उंगली भी चलने लगी, पांच की पांच ये भी चले, पांच की पांच ये भी चले, अब हमारा मन भी अब संतुष्ट हो गया। बस मंत्र मिला और बिच्छू का जहर उतरा। उसी तरह जैसे बिच्छू का जहर चढ़ जाता है, एक मंत्र से काम नहीं चले तो दो तीन बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हाथ काम करता है, तब जाकर जहर उतरता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद जब परिवार रूपी बिच्छू खाट खाता है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा परिवार मेरा कुटुंब मेरा कबीला, जब ये बिच्छू काट गया तो इसका मंत्र भी केवल शिव पुराण में ही उतरता है, चार पांच बार जब तक नहीं सुन ले उतरे, मंत्र पढ़ेगा तब उतरे। बिच्छू का मंत्र पढ़ा तो बिच्छू का जहर उतरा, शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र पढ़ा, तब ये परिवार ने जो डंक मारा है, बेटा नी पूछे बहू गाली दे, छोरा नी सुने मारी बिल्कुल नी सुने, मार को तो आड़ा टेढ़ा बोल दे, ने पोता ऐसा ऐसा बिगड़ी रिया, उसकी माँ सब बिगाड़ दे रही, ये परिवार का बिच्छू ने डंक मारा है, ये परिवार के लोगों ने जो डंक मारा है, बिच्छू डंक मारेगा तो मंत्र पढ़ाने उतर गया, पर परिवार के लोग जब डंक मारेंगे तो इसके डंक का जहर केवल शिव महापुराण की कथा ही उतार सकती है, वहां जाकर बैठ जा, जहर उतरना प्रारंभ, मन को शांति मिलना प्रारंभ। आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सब दूर से मन को हटा कर आपने आस्था चैनल पर लगा लिया, शिव महापुराण की कथा में लगा लिया, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो सब दूर से मन हटाकर मोबाइल पर मन लगा लिया कि मुझे कथा सुनना है, यूट्यूब पर गुरु जी की कथा आ रही है, आपने अपनी चित्त वृत्ति को लगा लिया, अब किसने क्या कहा आप उसको भूल गए, तीन घंटे के लिए, ढाई घंटे के लिए, दो घंटे के लिए आप भूल गए, जहर कहां गया वो परिवार का, किसने डसा था, किसने कहा था,
बहू मेरे को ऐसा बोल रही थी, बेटी मेरे को ऐसा बोल रही थी, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, वो दो घंटा अगर आप कथा में बैठे हो तो आपका मन लग गया, अब वो जहर उतर गया। अब ना ये पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री और एक मन, ये सब भगवान का हो गया, कहीं दर्द नहीं, कहीं कष्ट नहीं। फेंक दो पार्वती, पार्वती ने फेंक दिया, उसने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मदेव के मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, सो ताला में भी बंद हो जाओ तो मृत्यु आएगी, ये पक्का है। कहां पर जाकर मृत्यु आना है ये भी निश्चित है, कितनी बजे आना है ये भी निश्चित है। तुम कितना ही बचने का प्रयास कर लो, कितना ही, मैंने तो अभी डॉक्टर के चेकअप करवाया था, मारा तो सारा जांच एक नंबर आई, ने दूसरे दिन मालूम पड़े रात के तो छाती में दर्द हुआ, सब अलमारी में साड़ी धरी की धरी, ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही मैंने नीली वाली नहीं पहनी, यमराज बोले अब थारी बहू पहन लगी, चल मैंने तो फाल अभी कल ही लगवाई थी, 30 रुपए लगाए, यमराज के चले कि नहीं चले, और बहू ने पहन ली नीली साड़ी निकाल के, सास ऊपर से देख रही ये वही बहू है जिसने मुझे खूब कोसा था, वही पहनी है, मारी साड़ी पहन के ऐसी फूली पहन रही है, दो तीन बार बहू गिरते गिरते बच गई, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा पांव क्यों फिसली रहा है, ऊपर से डोकरी निहार रही है, आसक्ति नहीं छोड़ी, क्या भरोसा है जीवन का, इस मनुष्य देह का क्या भरोसा, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है, कोई भरोसा नहीं, रत्ती भर का भरोसा नहीं, एक रत्ती का, इसलिए बार बार आपसे कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सत्संग से मुख मत मोड़ो, कोई तुमसे कहे कि महाराज की कथा इतनी बार कब तक सुनोगे, तो कह देना वो सियोर वाला महाराज नहीं किया था, थप थपाओ मुन्ना मुन्ना के थप थपाते जाओ, सोएगा जरूर, उसी तरह कथा सुनते जाओ, एक ना एक दिन सुनेगा जरूर, मिलेगा जरूर, ये पक्का, छोड़ू नहीं पीछा, नहीं छोड़ू पीछा, नहीं छोड़ू। महाराज मैं छोड़ूंगी नहीं उसका पीछा, मरना है माना मरना है, पर इतनी जल्दी डरने वाली क्यों डरूं मैं, क्यों डरूं, हां ये संसार कोयला का टुकड़ा है, कहीं ना कहीं तो दाग इस शरीर में लगे, ये संसार कोयला को टुकड़ो, दाग लगे दामन में, मन तो मत पड़ रे,
उलझन मत पड़ रे, उलझन में मन तू मत पड़ रे, उलझन क्यों पड़े, किस लिए पड़े? मैं मरूं नहीं ऐसा कोई प्रयास कर दिया जाए। समान 100 वर्ष का है पल की खबर नहीं। कई बार तो आज खीर ज्यादा बन गई, भगोनी में फ्रिज में रख दी। के सोई थी कल, फ्रिज में जो खीर रखी है उसे निकाल के गरम करके सब खा लेंगे, और मालूम पड़े सोच के पड़ी थी कि कल खा लेंगे, और मालूम पड़े निपटी जाए फिर वो खीर कहीं पा। क्या काम की फिर वह खीर, कौन खाए? सब पड़ा रह जाता है। कहीं नहीं, सारी की सारी तैयारी रे, मानो भोले का ऐसा कि यमराज को ना कह दी। अगर वो यमराज के भेज देता, अभी बीच में कोरोना आया था, बाजू तक आ गया, मोहल्ले में आ गया कोरोना महामारी, परिवार में न जाने कितनों को हो गई, उसी के घर में तुम 3 दिन पहले रोटी खा के आए गई, आधी तो टेंशन में हो गई, ऊके हो गया, मैं तो अभी तो खा के आई थी, अभी खाया मैंने 3 दिन पहले, राम अब कहीं होगा। मैं तुरंत रिमोट लिया, ने 2 बजे टीवी पे कथा सुनने बैठ गई, सियोर बाला महाराज की कथा सुन लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब ती फिरी वो तो मानो भोले का ऐसा कि यमराज के ना के, यमराज से कह दिया चले मत जाना रामेती भाई के घर, चले मत जाना उसके घर, बिल्कुल मत जाना। यमराज बोले वो कोरोना चाय पी के आई है, कुछ भी हो नहीं जाएगा, बोल दिया नहीं तेरे के नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो क्यों नहीं जाऊं? उन्हें शिव पुराण की कथा सुनी है, उसका घर में रुद्राक्ष धरा है, अगर तू गया नहीं तो रुद्राक्ष का पानी पीना चालू कर देगी, फिर कहां से जाएगा? चले मत जाना उसके घर में, बिल्कुल मत जा। यमराज भी के अच्छा महाराज हुआ दादा, सबके रुद्राक्ष बांट दिया कोरोना आने से पहले, घर घर रुद्राक्ष, घर घर शिव पुराण, और बची कुची थी जितना कोरोना में निपट गया, जो यम की कैद में पड़े थे यहां तो छोड़ नहीं रहे, मालूम पड़े यमराज की कैद से भी छुड़ाने का प्रयास कर लिया, 24,000 श्लोक का यज्ञ रख दिया, वहां से छोड़ के वैकुंठ भेज नहीं पड़ेगा, यमराज के भी टेंशन है, कथा सुने 24,000 श्लोक का जो ये पावन यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, इस हवन में जो शिव महापुराण की आहुतियां दी जा रही है। कई लोग कह रहे हैं गुरु जी हमारा नाम आया कि नहीं आया, अब नाम के चक्कर में मत पड़ो, तुमने नाम भेज दिया नहीं, विश्वास हो तो ठीक है, नहीं विश्वास हो तो आना या लिस्ट पढ़ के चले जा। और अब तो हमने एक और चीज कह दी कि प्रयास करो, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं आया, कई लोग दान भी कर रहे हैं, कुछ दान राशि भी भेज रहे हैं, उनका भी अगर मैसेज आ रहा है, दान राशि आई नहीं आई उससे कोई मतलब मत रखो, पर मैसेज आया है ना, उनका भी नाम और गोत्र लो और आहुतियां देना प्रारंभ करो, किसी के नहीं छोड़ना, अपने सब के दे दो, भगवान के भरोसे छोड़ो, सबको भगवान के स्मरण में छोड़ो कि भगवान तुझे निभाना है भोलेनाथ, अब संसार सागर तुम्हारे, बस इतनी कृपा कर लेना, 2 लहर के चक्कर में तुम सब निपट गए, आखिरी मत आने देना, वो 3री लहर के 3री आंख में भर लो बस। वो तो मानो भोले का कि यमराज के, चले मत जाना बिल्कुल, शिव पुराण सुने। और
तुम भी पीछे क्यों हटो, भगवान के भजन में लगे रहो। जब दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, ऐसा लगे कि अब मुझे तकलीफ आई है, शंकर जी का भजन चालू करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। ये भी नहीं कर सको तो शंकर जी के मंदिर में चले जाना, झाड़ू पोछा लगा देना, मंदिर को साफ कर देना। इतना भी नहीं बन सके, मंदिर के दरवाजे पर दिया जला देना। इतना भी नहीं बन सके, मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेना, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। इतना भी नहीं बन सके, शंकर के मंदिर के सामने से जाते जाते भी कह दीजो हमारा घर आ जाओ दादा, इतना ही कह दिया तो इतना काम चल जाएगा। एक बार मुस्कुरा के शंकर का भजन तो कर कर देखो, शंकर भी कहेंगे इतना दुख आने के बाद भी मुस्कुरा रही है नंदी, अब तो इसी के घर जाना है, चल शाम हो मेरे को ले चल इसके घर, बस इसी के द्वार पहुंचू मैं, बस उसी के पास पहुंचकर मुझे स्मरण करना, चल ले चल। जहां भी राजे भोले बाबा ले चल मुझको साथ, ओ नंदी ले चल मुझको साथ, ओ नंदी ले चल मुझको साथ। काशी नगरिया में शिवजी बसत हैं, काशी नगरिया में शिवजी बसत हैं, बस एक कृपा कर मुझे ले। भगवान की बात स्मरण, मैं मरूं नहीं उसका क्या प्रयास करा जाए। ब्रह्मा जी कहे मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा, देखो अंधकासुर प्राण तो जाएंगे तुम्हारे, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। अंधकासुर ने कहा फिर एक वर दे दीजिए, कौन सा वर? वर ये दीजिए, अगर मैं मरूं तो जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा बस उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। ठीक है, तथास्तु। अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं है, मुझे तो जल में से उठाया गया, हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा, इसलिए उसको मालूम था माँ है ही नहीं। पर उसको क्या मालूम था, पार्वती ने इसको गोदी में लिया था तो पुत्र मान लिया था, भले गोदी में आया पर आया तो सरी ना, पुत्र तो मान लिया गया, गोदी तो आया है पुत्र मान लिया गया, गोदी में आ गया। इसको मालूम नहीं है कि कोई माता है। महाराज तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान माता भी हैं, भगवान पिता भी हैं, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके माता पिता ही ना हो। एक प्रश्न सारी दुनिया के लोगों के सामने खड़ा है, जिसका दुनिया के लोग हंसी उड़ाते हैं, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, प्रश्न खड़ा होता है शिव के पिता कौन है? शंकर के पिता है कौन? कितनी बार, हजारों बार कथा के बीच में एक बात कहते हैं, कंकर शंकर, दो पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है, आजन्मा एक बिंदु शिव है।
मात्र एक बिंदु शिव है। कोई दूसरा नहीं। जन्म देने वाली तो माता है, तो आप कह देते हैं ये हमारी माता है। तुम्हें किसने बताया कि ये तुम्हारी माता है? बताने वाला भी तो कोई होगा कि ये तुम्हारी माता है। और माता तो बेहोशी में पड़ी थी, उसको किसने बताया कि यही तुम्हारा छोरा है? माता तो ऑपरेशन से अगर बच्चा हुआ है, संतान हुई है, और वो बेहोशी में पड़ी हुई है, मूर्छा खाकर पड़ी हुई है, उसको बताया किसने कि ये तुम्हारी छोरा है? मां कमरा के अंदर तो केवल डॉक्टर से सिस्टर थी, सेवादार थे, फिर इनके बताया कि ये इनका छोरा है, छोरे के बताया ये तुम्हारी माता है, फिर कहे ये तुम्हारे पिता है। तो ये जो बताया गया है, योगी क्रम कहा गया है, ये तो बताया, किसी ने बताया कि ये है। उसी तरह एक बिंदु शिव को प्रकट करी है शंकर, एक बिंदु के रूप में ही आज भी है, आज भी है, आज भी शंकर एक बिंदु है। इसीलिए शिवलिंग की जो आकृति होती है वो बिंदु के रूप में ही तो होती है। कंकर शंकर, कंकर शंकर, कितना विश्वास दुनिया के लोगों पर करने की जगह ये विश्वास शिव के प्रति करोगे तो मालूम पड़ेगा कि कंकर शंकर हो गया, और उस शंकर ने हमारा मन का मनोरथ पूर्ण कर दिया, हमारे मन का मनोरथ। मृत्यु तो आना है, कहा दिया माता को गलत दृष्टि से देखूं तो मरूं मैं। केवल अंधकासुर के लिए शिव महापुराण की कथा नहीं करे कि माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर मरा। यहां तो शिव महापुराण ने एक बात सबसे सुंदर कह दी, रावण ने सीता को गलत दृष्टि से देखा था तो रावण को मरना पड़ा था। अंधकासुर ने माता को गलत दृष्टि से देखा तो अंधकासुर को मरना पड़ा था। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य जब दूसरे को गलत दृष्टि से देखता है, नारियों को, स्त्रियों को, एक दिन उसको भी मरना पड़ता ही है, मरना ही पड़ता है, कोई दूसरा तोड़ नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई जो कथा में पहले कही थी, चोर को खांसी, बोलते जा, चोर को खांसी, संत को दासी, और मनुष्य को आलसी, ये बर्बाद कर देते। ध्यान रखना, चोरी करने गया और खांस दे तो